नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब की बार देखिए, पीएम मोदी ने ठाना है 1984 का रिकॉर्ड तोड़ना है और भाजपा को 400 पार तक पहुंचाना है। लेकिन बंगाल की क्वीन ममता बनर्जी के रहते क्या ऐसा मुमकिन है? अब देखिए, दशकों तक बंगाल में दीदी का एक छत्र राज रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा उलट फेर हुआ कि भाजपा शून्य से शिखर तक पहुंची और 18 सीटों पर कमल खिल गया। इतिहास गवाह रहा है कि ममता के कांग्रेस ही रहते पार्टी बंगाल की 16 सीटें जीत पाई। और अब जब देखिए बंगाल में दीदी खुद में एक वन मैन आर्मी है, तो ऐसे में क्या भाजपा का 35 सीटें जीतने का ख्वाब पूरा हो पाएगा? आखिरकार ममता को कितनी सीटों से हराकर पीएम मोदी 400 का आंकड़ा क्रॉस कर पाएंगे, इसको लेकर धर्म ज्ञान पर क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्मिता अशोका जी की दैवीय भविष्यवाणी देखिए। आपने कहा था कि 2019 में विपक्षी पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी 2021 में, मतलब आप देखिए कि पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से फिर बंगाल में आ गए। और इस बार लोकसभा में मैं 9 स्टेट घूम चुका हूँ, 9 स्टेट। बीजेपी अच्छे पोजीशन में है, लेकिन बंगाल में आप जिस तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या आप दावा करते हैं कि 30 सीट बीजेपी ले आएगी? देखिए, टीएमसी के लिए मैंने क्लियरली 2019 में ये भविष्यवाणी की थी कि एक टीएमसी एक ऐसी रीजनल पार्टी है जिसकी ग्रिप जो है ग्राउंड लेवल पे है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो है जो आपका बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट होके जो एक वोट बैंक को उन्होंने जो वेस्ट बंगाल में बसा दिया, उनके वोटर कार्ड और आईडीज बन गए, जिसके लिए अब सीएए और एनआरसी काम करेगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल की जो हालत होने वाली है, क्योंकि आगे ममता बनर्जी का जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है। नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में आपको ये रीजनल पार्टी भी, इसकी छवि भी धूमिल होती नजर आएगी। रही बात आपने जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 की बात की है, तो 2024 के लिए जो मैंने भविष्यवाणी की है कि आस्ता आस्ता सारी रीजनल पार्टीज जो हैं वो टाउनहॉल की तरफ जाएंगी, तो उसमें टीएमसी भी है, बीजेपी विल इम्प्रूव दियर सीट्स इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 2024। तो नंबर की बात नहीं करता मैं, लेकिन टोटलिटी का नंबर मैं दे चुका हूँ। तो आपकी इस भविष्यवाणी को हम सेव करके रख लें, आप ये कह रहे हैं कि 2026 में ममता बनर्जी हार जाएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी? बिल्कुल। उसके लिए देखिएगा, जो इस टाइम आपका जो है वेस्ट बंगाल की जो पॉलिटिकल पोजीशन है, उसके लिए जब तक सेंटर को लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए इंटरवीन नहीं करेगी सेंटर, केंद्र सरकार नहीं करेगी, तो जो अराजकता आपकी जो है इलेक्शंस में दिखाई देती है, उसके तहत तो कोई व्यक्ति जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट है वो भी वोट देने जाने से डरता है, क्योंकि दे नो कि ही इज अगेंस्ट, तो वो जाने से बचता। तो उससे क्या होता, अभी तक की जो है जो ये जो मेजोरिटी आती है, ये जो आ रही है मेजोरिटी, ये मेजोरिटी का एक ही कारण है, डर। डर के तहत वेस्ट बंगाल की जो ये पोजीशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए सेंटर को इस बार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और आपका जो सिक्योरिटीज सर्विसेज हैं उनके तहत, उनके अंडर में जो इलेक्शन आ रहा है, इसके रिजल्ट आपको नजर आएंगे, और जो नॉर्मल में होता है उसके रिजल्ट आप मैच कर लीजिएगा जब से टीएमसी है, क्योंकि टीएमसी या आपका ये क्या कहते हैं इनका जो इससे पहले थे उसमें कम्युनिस्ट का एक ही तरीका था, उन्होंने जो लंबा राज किया है वो डर के उस पर किया, उस डर को खत्म करना। उसका बेंचमार्क क्या है? उसका बेंचमार्क है जेएनके। जेएनके से डर को खत्म किया गया, तभी आपका जो है धारा 370 जो है अबॉलिश हुई, 35 से हटाया गया। अब वहां पर पीस है, बिजनेस है। आप आज के वेस्ट बंगाल को देख लीजिएगा, और वेस्ट बंगाल को
पहले देख लीजिएगा जब कांग्रेस का टाइम था, उसके बाद कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्ट ने आस्ता आस्ता वेस्ट बंगाल को डुबोना शुरू किया, वहाँ से अच्छी अच्छी जो आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट थे आस्ता आस्ता वह बाहर निकले। सेम पैटर्न पे जो है आपका टीएमसी चल रही है, तो उसके लिए बिल्कुल कठोर निर्णय जब सेंटर लेगा, और ये 2024 से 29 के कार्यकाल में जितने भी आपकी बॉर्डर स्टेट्स हैं उस पे आवाम से एक वो है कि केंद्र शासन, केंद्र की जो सरकार है वही सरकार जो है बॉर्डर पे अगर आप देते हैं, बॉर्डर की स्टेट्स पे देते हैं, तो हमारे जो दुश्मन है वो इनफिल्ट्रेट होके अंदर नहीं आ पाएंगे। तो नेक्स्ट में जो है असेंबली इलेक्शन जो है आपका, नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन के लिए आप मेरी भविष्यवाणी को सेव कर, रिकॉर्ड कर लो, सेव कर लो, थिंग्स विल बी टोटली चेंज। थिंग्स टू बी टोटली चेंज। तो बंगाल की तस्वीर तो यहाँ से श्री संबित अशोका जी ने दिखा दी है धर्म ज्ञान स्टूडियो से। क्या लगता है रोहित, विपक्षी पार्टियों के सफाई की भविष्यवाणी 19 में कर दी थी मेरे साथ धर्म ज्ञान पर? देखिए बंगाल पे ही मेरा सवाल है। देखिए 84 में जब कांग्रेस को 400 सीटें आई, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, उस वक्त भी बंगाल में केवल बहुत मुश्किल से कांग्रेस को लगभग 16 सीटें आई थी। लेफ्ट उस वक्त हावी था, लेफ्ट अच्छा खासा सीट लेकर आई थी। आज भी वही है, बीजेपी 300 पार कर जाती है, 350 उनके सहयोगियों को मिल जाते हैं, लेकिन बंगाल में वो क्यों उस तरीके से अपनी पैठ नहीं बना पा रहे हैं? देखिए मैंने आपको बड़ा क्लियरली अनुपम जी के उस पर मैंने जो बताया कि बंगाल का मेन कारण जो है वहाँ पे डर काम कर रहा है, और वो डर जो है कम्युनिज्म जब स्ट्रांग था आपका वेस्ट बंगाल से तब से चला आ रहा है। सही वोटर तो घर से निकलता नहीं है, घर आपके जला दिए जाते हैं, जो आपका प्रताड़ित है वो अगेंस्ट जाके वोट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की बहुत जरूरत है। अच्छा, और इससे जुड़ा मैं इसमें जो है अगर नेक्स्ट इलेक्शन, देखिए ये भी भविष्यवाणी का एक पार्ट, हालात नेक्स्ट इलेक्शन से पहले ऐसे हो जाएंगे कि सरकार को हो सकता है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, और राष्ट्रपति शासन के तहत जो इलेक्शन होगा वो बिल्कुल फेयर होगा, और उसमें वो रिजल्ट आएंगे जो मैंने बोला।